मालदीव को पता चल गई अपनी असली औकात। अपनी गलती से मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव को डुबा दिया। भारत के बायकॉट की वजह से डूब गया मालदीव। अब सिर्फ पीट पीट कर पछता रहा मालदीव। पूर्व राष्ट्रपति ने भारत से लगाई मदद की गुहार। भारत से हिमाकत करने वाला मालदीव अब पछता रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की मनमानी का खामियाजा अब पूरा देश भुगत रहा है। भारतीयों ने बायकॉट क्या किया? चीन के सहारे रहने वाले मालदीव को अपनी असली औकात पता चल गई। भारत के बायकॉट के बाद मालदीव डूब रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली पहुंचे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत और मालदीव के रिश्तों पर चिंता जताई है। उन्होंने मालदीव के लोगों की तरफ से माफी भी मांगी है। मोहम्मद नशीद ने कहा है कि भारत और मालदीव के बीच तनाव से मालदीव पर असर हुआ है। मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मालदीव के लोगों को खेद है, हमें खेद है कि ऐसा हुआ। हम चाहते हैं कि भारतीय लोग अपनी छुट्टियों पर मालदीव आएं। हमारी मेहमान नवाजी में कोई बदलाव नहीं होगा। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इसका जिक्र करते हुए माफी मांगी और भारतीयों से मालदीव आने के लिए कहा। दरअसल पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे का एक वीडियो शेयर किया था। इसमें खूबसूरती के लिहाज से लक्षद्वीप अब मालदीव को टक्कर देता नजर आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि लाखों रुपए खर्च कर मालदीव जाने से बेहतर है कि लक्षद्वीप जाया जाए। इससे मालदीव के मंत्री और नेता नाराज नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही कहा कि भारत सर्विस के मामले में मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता। मोहम्मद नशीद ने इस पोस्ट की निंदा करते हुए कहा था कि ये मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पीएम मोदी का लक्षद्वीप वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, बढ़िया कदम है ये, मालदीव की नई सरकार के लिए एक बड़ा झटका है जो चीन की कठपुतली बना हुआ है। इस दौरे के बाद लक्षद्वीप में पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा। इसके जवाब में पीपीएम के नेता जाहिद रमीज ने लिखा था, बेशक ये अच्छा कदम है लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मालदीव पर्यटकों को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएंगे जितनी हम रखते हैं? उनके कमरों में आने वाली बदबू टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। आपको बता दें कि भारत के साथ विवाद के बीच इज माई ट्रिप कंपनी ने मालदीव की टिकट बुक करना बंद कर दिया था। इसके बाद मालदीव की टूरिस्ट बॉडी ने भारत की इज माई ट्रिप से मालदीव की यात्रा के लिए फिर से फ्लाइट बुकिंग शुरू करने की अपील की थी और कहा था कि भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं। हम इज माई ट्रिप से अपील करते हैं कि वो भारत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर ध्यान न दें। ये बयान मालदीव के लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाते, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू चीन से अपने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की अपील कर चुके हैं। मोइज्जू ने कहा था कि चीन हमारा खास सहयोगी और डेवलपमेंट पार्टनर है। हम चाहते हैं कि यहाँ के ज्यादा टूरिस्ट मालदीव आए। दोनों देशों के बीच हिंद महासागर में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन के समझौते भी हुए हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मोइज्जू ने घोषणा की थी कि वो उस समझौते का विस्तार नहीं करेंगे जिससे भारत को मालदीव के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। उसने भारत सरकार से भारतीय सेना को वापस बुलाने को कहा था। राष्ट्रपति मोइज्जू ने स्थापित परंपरा को तोड़ते हुए अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए तुर्की और चीन को चुना था, जबकि पहले मालदीव का नया राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आया करता था।